लेकिन हम उसे घबराने वाले नहीं, क्योंकि 48 वेगा है यार। मैंने 51 पूरा करना मीनार में, मैं कॉल कर एक जन, हाँ मारे हार जीत लगी उड़ी, 51 करना। डरने वाले हम नहीं है, खुला बोलते हैं कि मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे, मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे, मेरे भारत के संतों को मंदिरों को कभी गुमनाम नहीं होने देंगे, प्राण छोड़ देंगे लेकिन अभी मेरी गौ माता को बदनाम नहीं होने देंगे, सी देंगे साले को खड़े खड़े बाजार के बीच में। किसी ने आलोचना की मेरे हिंदू सनातन धर्म पर, किसी ने आलोचना की मेरी गौ माता पर, किसी ने आलोचना की मेरे गौ भक्तों पर, तो नहीं छोड़ेंगे उसको, फाड़ देंगे ट्यूब की तरह, चेप देंगे सुलेशन और साथी। डरने वालों में नहीं है सर, इसलिए अपने भाइयों को सिखाए हुआ चीज, कब कब जागोगे साहब, कब जागोगे, लोग राज कर रहे, वो टाइम आएगा फिर सन 1300 वाला 1100 वाला। और आज ये हालात है, अपनी बहन बेटी अकेली बाजार में सब्जी लेने कौन जा सके, ये हालात है, है रे? सही बात बोल रहा हूं, क्यों कारण का है? क्या कारण इसका? अकेलो अकेलो बच्चों स्कूल कौन जा सके, कई कारण। बाबा जी बात आची है, आप बात साची कह रही हूं धन यार भाई, टेम हवेली पाची, आज ये हालात है। देखा आपने वो लक्ष्मी नारायण मंदिर वाली घटना, अभी थोड़े दिन पहले वीडियो देखा होगा आपने, लक्ष्मी नारायण मंदिर वाला वीडियो देखा आपने, अभी 3 दिन पहले फेसबुक पर आ रहा था, देखा नहीं? देखा, पुलिस सामने खड़ी है भाई, मंदिर के ऊपर खड़ा है, समझ गया? देखिए ना, हाँ तो इनको बता देना क्योंकि लाइव चल रहा है, सुबह मामला दूसरा होगा। फिर डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी एकता रखे, जिनकी जिनमें उनमें एकता है, यदि एकता देखनी तो 2 घंटे मस्जिद के सामने शुक्रवार को खड़े हो जाना 2 बजे, आपको एकता दिखेगी। 5 वर्ष को टाबर भी टोपी और 95 साल का मिनिक्री माता माता टोपी, अटे तो सब पेरे जो भी खाक में गल है, ओपो ही कोने खेड़ी में टंगी जाए ना बट ओपी है, क्या संस्कृति आ गई साहब, क्या क्या संस्कृति सुधारेंगे हम? मेरे युवा साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अब बागडोर आपको पकड़नी है। ओम डिगना 1 साल बोल लेगा, 2 साल बोल लेगा, क्या पता सुबह भी रहू ना रहू, जरूरी थोड़ी है सुबह मैं रहू ना रहू, है साहब पतो नहीं चाले, मनवा पतड़ा दूर आडी पड़ी रात, अरे ना जाने क्या होवेला उगते, सुबह की कोई खबर नहीं है यार। मैं तो घर से निकलू ना, घर का ना बोल रहा हूं, शिमला जा रही हूं, 3.5 घंटा को रस्तो है, 4 बजे आरती होगी, 5, 6, 7.5 बजे घर आ जाऊंगा, यदि 7:30 की 8 बजे तो समझ लेना आ गया, यार 9:30 बजे तो समझ लेना कहीं गौ माता की रक्षा करते हुए काम आ गया। खुला बोल के आते हम घर से, मौत डिगी में लेर बेवान, डरने की जरूरत नहीं है। जहां भी गौ माता के लिए कहीं जरूरत पड़े, भाई को आधी रात को याद करना, गौ माता पर अब अत्याचार सहन अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब गौ पुत्र जाग चुके हैं। मेरे सभी युवा साथियों से मेरा करबद्ध निवेदन है, भजन थाना आबार जेर सुना जड़ा आकर दीजिए सुना वेला, लेकिन जगह मारी मंदरी भावना है भाई साहब, जगह मंदरी भावना है, क्या पता अगले जन्म में हम राम और लखन एक ही घर में हमारा जन्म हुआ, अगले जन्म में मारो राशन कार्ड एक ही हो, क्योंकि हमारा जिला पाली है और दिल में हिंदुत्व है, गौ माता की सेवा करने का जो जज्बा हम 18 साल पहले घर से लेकर निकले। मैंने माँ नहीं देखी माँ क्या होती है, बचपन में माँ दुनिया छोड़ के चली गई जब 1.5 वर्ष का था, लेकिन समझ में आया कि माँ क्या होती है, उस दिन से इस बच्चे ने गौ माता को अपना सब कुछ मान लिया कि जीवन भी मेरा गौ माता और भविष्य भी मेरा गौ माता, वर्तमान भी मेरा गौ माता, और मरना है तो ही मुझे गौ माता के साथ ही जाना, गौ माता के लिए जाना। बोलो गौ माता की, प्रेम से बोले जय जय श्री राम, हाथ उठा के बोलेंगे, कैमरा एक बार पीछे घुमाए, सभी कैमरे एक बार पीछे घुमाए, दुनिया को दिखाएं रात के 2 बजे भक्त जाग चुके हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं ना उनको चैलेंज कर रहे हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं उनको चैलेंज करना है कि नोटों पर छपने वाले आदमी को यदि राष्ट्रपिता बोल सकते हो तो दुनिया को पालने वाली मेरी माँ को गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा क्यों नहीं देते हो, क्यों नहीं देते हो? बस साहब से मेरा एक ही विनती है, ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगा और मुझे पक्का भरोसा कि वो भी एक परम गौ भक्त है और 2022 में शील ठोक देवेला, मन भरोसा।
मन भरोसा हुई सांवरिया माता। एक बार हाथ उठा के बोलेंगे सबकी फोटो आएगी, सुबह आप चेक कर लेना 1:53 पर आपकी फोटो यूट्यूब पर मिलेगी, ढूंढ लेना, मैं कहा हूं जूम कर लेना, स्टेटस लगाना। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इंकलाब, इंकलाब, जय श्री राम। हुई ना बैटरी चार्ज, अब बोलते हैं मेड इन इंडिया, डू नॉट मेड इन चाइना। जी सभी का ठीक है। छोलाराम जी, गिदारी राम जी, शिमला 21,000, तालियों से स्वागत। मनोज सिंह जी, केला सिंह जी, सरदारपुरा 1100, खेमाराम जी, पुकाराम जी राठौड़ 5100, शिमला की जो बाया है कार्यकर्ता उनकी ओर से 1100, दिनेश जी, मांगीलाल जी रानी 2100, अमर सिंह जी, कालू सिंह जी शिमला 5100, कुंदन सिंह जी 500, पंचम एंटरप्राइजेज पुणे 1100, केसराम जी, सगराम जी चौकीदार 5100, नारायणलाल जी, वानाराम जी ब्राह्मण शिमला 11,000, मांगीलाल जी राठौर शिमला 2100, ये पर्ची बाद में बोले, तीन नाम है क्या, विजयराज गुजर 500, महादेव इलेक्ट्रिक बढ़ाना 101, पुकाराम जी देवाजी 101, पुष्पा तंवर सिंह क्यों सर 200, ओम प्रकाश जी 251, आइएगा आकर जी मिश्रा, भजन गायक जगदीश नाथ जी सनप, भंवरनाथ जी शिमला 5100। एक बार तालू से स्वागत, भीलवाड़ा की वो आवाज जिनको आप सभी सुनेंगे हम, गिरधर जी, हीरा जी गुजर 2100, रामशाह पीर 1100, मोहनलाल जी सिरवी 5100, लीला कंवर जी, रावणा राजपूत, पर्वत सिंह जी 2100, गुणेश राम जी बावरी 1100। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद भाई अनिल भाई मारू। हेलो, एक बार ओम जी भाई साहब के लिए तालियां बजाएं आप सभी, जोरदार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें, स्वागत करें। और अब आइएगा हमारे रामदेव गौशाला युवा मंडल की ओर से इस कार्यक्रम को लेकर के, पिछले 10 दिनों से सूरत में आपका कपड़े का व्यवसाय है, उसके बावजूद यहां आकर के 10 दिनों से ये जो तैयारी कर रहे हैं, अपने परिवार की ओर से लगभग 1,21,000 रुपए की सहयोग राशि यहां दे चुके हैं। ऐसे हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जोग सिंह जी रामना राजपूत का हम सम्मान करने जा रहे हैं। मैं जोग साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप मंच पर पधारे, एक बार आपको गौ माता की कसम, एक बार मंच पर आ जाइए, पुरजोर तालियां बजा करके अभिनंदन करें। जोग सिंह जी भाई साहब का हम सम्मान स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं, और मैं नरेश भाई और इनकी पूरी टीम से, मैं नहीं कह रहा हूं, सभी की इच्छा है, एक बार आ जाइए। सुमेर सिंह जी से निवेदन है आप भी पधारे, और जोग सिंह जी की माता जी से निवेदन है आप भी मंच पर आए, एक बार कहां बैठे माता जी एक बार आइए आप, माता जी पधारिए। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है जोगसा का सम्मान करें, माता जी आप पधारो। जिस तरह के संस्कार आपने अपने पुत्र को दिए हैं, और जोग सिंह जी ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर के जो कार्य किया है, पधारो माता जी। एक बार तालियां बजाएं हमारी माताजी के लिए, जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें पूरी टीम के द्वारा। जोग सिंह जी और उनके माताजी का सम्मान स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। पिता का साया उठ गया, लेकिन माता ने ऐसे संस्कार दिए कि इस पुत्र ने जिस तरह की गौ भक्ति के माध्यम से नाम कमाया है, माताजी यहां पधारिए। हम और आप सभी मिलकर के सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं जोग सिंह जी रावणा राजपूत का सम्मान स्वागत है। रामदेव युवा मंडल शिमला की ओर से माता जी और जोगसा का सम्मान स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। हाँ सभी आ जाए, एक बार आ जाए सभी। सुमेर सिंह जी वासाब के सानिध्य के अंदर ये पूरी की पूरी टीम सम्मान स्वागत अभिनंदन कर रही है।
अभिनंदन पत्र देकर के ये विशेष सम्मान स्वागत अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। बोलिए श्री गौ माता की जय हो जय हो। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सम्मान। माता जी आशीर्वाद बना रहे हैं आपका हमेशा, हम सभी पर इसी प्रकार की कृपा बने रहे कुछ ऐसे भाव के साथ में। मैं अब भीलवाड़ा की धरा से आकृति जी मिश्रा से गुजारिश करता हूं कि आप पधारें और आज की शुभ भक्ति संध्या में अपनी उपस्थिति दें। और उससे पहले श्री सुमेर सिंह जी सिनला से मैं गुजारिश करता हूं, आकृति जी का सम्मान स्वागत अभिनंदन जो है आप अपने करकमलों द्वारा करें। हाँ, इनका थोड़ी देर बाद में करेंगे, बिल्कुल। आकृति जी पधारें। जोग सिंह जी पधारें। आकृति जी का सम्मान स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आकृति जी ये तलवार बैठकर आपको जिस तरह से हमारे धर्म की रक्षा के लिए आपका सम्मान स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है इस मंच के माध्यम से। मोमेंटो आप दे दीजिए। नरेश भाई बता रहे, SNM वीडियो फिल्म्स आप भी बता रहे हैं। सम्मान करें एक बार सभी कार्यकर्ता, जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें। हमारे राजस्थान की इस बेटी का सम्मान स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। ओम जी मुंडेल का सम्मान हम इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। एक बार बस पधारिए, मैं गुजारिश करता हूं आप सभी पधारें। पूरी टीम आ जाए एक बार जल्दी से, फिर हम आकृति जी को सुनते हैं और उसके बाद में 1,00,000 की राशि देने वाले भामाशाह का एक भजन के बाद में हम सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। हाँ, एक बार टीम आ जाए पूरी, जल्दी से आ जाए थोड़ा। श्री ओम जी मुंडेल डिगरना का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है इस मंच के माध्यम से। हाँ, थोड़ा सा गैप ले ले, यहां से खुले हो जाओ ना, यहां से पीछे हो जाओ थोड़ा सा सुमेर सा। हाँ, थोड़ा आया बाप जी, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अरे जोक सा पीछे रह गए यार, दौड़ के आओ। हाँ पधारो आप। गोगा जी मित्र मंडल अखावास के अध्यक्ष तारू भाई से निवेदन है, आप भी मंच पर आ जाए। हाँ कार्यकर्ता थोड़ा जल्दी से आ जाए, एक बार आकृति जी को सुनना है हमें। आधा लारे खड़ा रह जाओ नहीं। जय हो जय हो। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी टीम का योगदान, आपने जो मेहनत की है साथ में, आपके इस मेहनत को प्रणाम करता हूं, गौ भक्ति को प्रणाम करता हूं। लगभग 85 कार्यकर्ताओं की यह टोली जो है जिन्होंने सिंधला गांव की धन्य धरा पर एक नया इतिहास बनाया है, आज इस इतिहास को जो है स्वर्णिम पन्नों पर लिखा जा रहा है। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्या बात है, तालियां बजाएं एक बार जोरदार। जय हो ओम साकी। ये धर्म की रक्षा के लिए ओम जी ने तलवार उठा ली है। हाँ चलिए साहब, बहुत बहुत बधाई। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये मैं भामाशाहों से निवेदन करता हूं, जिन भामाशाहों ने 11,000, 21,000, 1,00,000 की राशि दी है एक आकृति जी के भजन के बाद में, आप सभी का हम सम्मान इस मंच के माध्यम से करेंगे। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं यथास्थान पर विराज रहे, और आकृति जी मिश्रा से मैं गुजारिश करता हूं कि माइक्रोफोन पर पधारें और इस पाली जिले की सरजमी पर मारवाड़ तहसील के सिनला गांव में अपनी आवाज के माध्यम से गौ माता के चरणों में अपनी अकीदत के फूल चढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और इनके बाद में भाई सुरेंद्र जी पवार पाली की तरह से हमारे बीच में है, उन्हें भी हम इस मंच के माध्यम से सुनेंगे। धन्यवाद।
बोली साचे दरबार की जय, बोली गौ मात की जय, बोली आशापुरा मात की जय। इष्ट देव कुल देवता सहाय करो मेरे पितर जी महाराज की मांग लो ते की मावड़ी थोड़ी म्हारा पानी दे नीना माही रमाई लू इमैया झूका जड़ जी रे खरनाल्यारा चौधरी थोड़ो मारा कानी दे